फुलवरिया वालों ने अपने दुश्मनी में हमारी बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया? कहीं सच में मैंने जो गौरी के साथ किया उसकी वजह से फुलवरिया वाले तो बदला नहीं ले रहे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? कभी सही बात करती हो कि नहीं? अभी इतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं आई है कि हमसे बदला लेने की सोचे। भूखे रह रहे के तो अच्छो अच्छो का दिमाग खराब हो जाता है, और वैसे भी वो लोग तो गरीब मजदूर है, का पता उनके दिमाग में भी कपट आ गया हो तो। मामा, अनिका के जितने भी दोस्तों का नंबर है सबको फोन करो, बाकी मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? नंदनवन, अपनी बहन को ढूंढने। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। कैसे? एक दूसरे के साथ से। हम सब मिलकर एक सांझा झूला तैयार करेंगे। आप सबके घर में जो भी बचा हुआ है ले आइए। सतरंगी से ख्वाब यहाँ है, तारे सभी गुलाब यहाँ है, नैनों के दरिया में जैसे रंगों के सैलाब यहाँ है। आखिर तो जीत ही गई। सबको एक दूसरे का साथ देते देख बहुत खुशी हो रही है। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। आज तो खाना खा लेंगे, लेकिन कल का क्या? कल फिर हमें भूखा मरना पड़ेगा। मालकिन बदला ले रही है पूरे बस्ती वाले से, ये तो नाइंसाफी है। मालकिन हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ रही है, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। बेटा, तू चिंता मत कर, भोले बाबा अपने साथ है। चालू फिक्र, अरे जीतेगी तू। हेलो, मैं सिटी केयर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अनिका अग्रवाल नाम की लड़की यहाँ एडमिट हुई है। कहाँ? घबराइए मत, ज्यादा सीरियस नहीं है, बस गर्मी की वजह से उन्हें चक्कर आ गए। आप यहाँ आकर उन्हें ले जाइए, और उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है, उसे रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिएगा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बेटे को मत मारना। मत मारना हमारे बेटे को। तुम जो बोलोगे ना हम वो सब करेंगे। हाँ भैया, देखो देखो हमारे बेटे को मारना मत। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ मिंदा? तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? किडनैपर। किडनैपर? हमारी अनिका को किसी ने अगवा कर लिया। हरी काम ना फुलवरिया वालों का ही है। दीदी और गर्व की दुश्मनी उसने हमारी बेटी से निकाल ली। और तो उन जालिमों ने 25 लाख रुपया मांगा। इंस्पेक्टर सिंह को फोन लगाइए। भूल के भी ऐसा मत करना, नहीं तो अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ेगा हमको। हाँ
हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। और 25 लाख अकेले देकर कैसे भेज दें इनको? बहना, हम इनके साथ चले जाते। अरे दीदी, वो हमारी बेटी है, हमारा खून है वो। हमको पहले उसको लेके तो आने दीजिए, फिर उन जालिमों के साथ आपको जो करना है सो करिएगा। बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए दीदी। बिंदा, तुम अकेले कैसे जाओगे? अकेले कैसे नहीं जा सकते, पर दूध पीते बच्चे हैं उनका। अरे अकेले नहीं गए तो हमारी बेटी को मार देंगे वो लोग। पैसों का इंतजाम करिए बस, और कुछ नहीं। फिर भी 25 लाख ऐसे कैसे दे दें? शकुंतला, इस वक्त में भी तुम पैसों के बारे में सोच रही हो? इस घर की बेटी अगवा हुई है, इज्जत है वो इस घर की, पैसे बाद में, अनिका की सलामती पहले मायने रखती है हमारे लिए। शकुंतला, तिजोरी की चाबी दो। मैंने कहा तिजोरी की चाबी दो। हमको भांजे को फोन लगाना होगा, इस सब बातों से बचानी होगी। ये लीजिए, तैयार हो गई आप सबकी फुलवरिया स्पेशल बिरयानी। इसे खिचड़ी नहीं, बिरयानी समझ के खाइएगा, मजा ज्यादा आएगा। मेरी बहन कहाँ है? बहन? किसकी हिम्मत हुई उसे अगवा करने की? मालिक, क्या कह रहे हैं आप, हमको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इससे भी बुरा करूंगा चंद्रकांत जी, अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना, किसकी हिम्मत हुई? इतने बड़े बन गए तुम लोग कि हमें सबक सिखाओगे? बोलो किसने किया ये? नहीं बताओगे? नहीं बोलोगे?
क्या कर रहे हैं आप ये? गर्भजी छोड़िए हमें। मालिक क्या कर रहे हैं? खबर गौरी को छोड़ो मालिक, मालिक। मालिक बचाइए। मालिक। ए, चल पीछे चढ़ आगे आया ना हड्डी तोड़ूंगा। मालिक क्या कर रहे हैं? मा... चल। अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना तो मैं इस लड़की की वो हालत करूंगा, सब लोग याद रखोगे। गौरी बिटिया को छुड़ाओ। अरे छोड़ो। अरे गौरी बिटिया छोड़िए, गर्दाब छोड़िए हमें, छोड़िए गर्दाब छोड़िए हमें। अपनी बहन की इतनी ही परवाह है तो पहले दूसरों की बहन की इज्जत करना सीखो। ये शरीफों की बस्ती है गर्सा, ये तुम्हारी तरह शातिर चाले नहीं चलते, इसलिए अगली बार उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। खैर उंगली तो तुमने उठाई, पर तुम्हें बता देता हूं तुम्हारी बहन सड़क पर बेहोश हो गई थी और एक भाई की तरह हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर यकीन ना हो तो सिटी केयर अस्पताल जाकर पूछ सकते हो। इसका मतलब अनिका का अपहरण नहीं हुआ है, फिर मामी ने ऐसा क्यों बोला? अगर तुम्हारे दिल में भलाई नहीं है ना तो ये कभी मत सोचना कि दूसरों के दिलों में भी भलाई नहीं है। काश काश तुम्हारा ये पैसा तुम्हारे लिए अच्छी सोच खरीद सकता तो तुम ये सब ना करते। अंदर कोई पूछ लेना तो कहना कि हाँ हमको अगवा कर लिया गया था, वो तो हमने तुझे अपनी जान पर खेल कर पैसा देकर बचाया है, समझी? आज पैसे मिले हैं ना, उन पैसों से 2 जोड़ी कपड़ा और कुछ गहने खरीदूंगी मैं तुम्हारे लिए। मम्मी आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सुन ये सब ना हम अपने लिए नहीं कर रहे, तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब ज्यादा हरिश्चंद मत बन, जैसा समझाया है वैसा करना, एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ का साथ दे, समझी? वरना हमने जो ये टॉप का प्लान बनाया है ना, सब पे पानी फिर जाएगा, समझी ना बेटा? हुँ? अच्छी बेटी है ना, चल चल। दीदी
देखो ना, 4-5 घंटे में हमारी अनिका कैसे सूख गई है। वो लोग इसको खाने पीने को भी नहीं दिए लगता है। कोई है, पानी लेके आओ हमारी बिटिया के लिए। अनिका, तुम ठीक तो हो? तुम बेटा हमें बताओ, इतनी हिम्मत है शहर में किसके अंदर जिसने धीरेन्द्र अग्रवाल की बेटी का किडनैप कर लिया? अनिका, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया? उनका चेहरा देखा तुमने? अरे दीदी, ये बहुत ही सदमे में है। जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे एक पर्चा लिखा था कि पैसे का बैग यहाँ रखो और जाओ, अपनी बेटी को सिटी केयर हॉस्पिटल से लेके चले जाना। और जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, तब जाके हमको पता चला कि हमारी अनिका तो बेहोश हो गई थी। और तो और दीदी, हॉस्पिटल का भी सारा खर्चा हम ही को भरना पड़ा। लगता है ना, हमारी बेटी को बहुत ही प्रताड़ित किया है उन लोगों ने। देखिए, अब आप लोग ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए इससे। इसको सदमा लगा है ना, बहुत बड़का सदमा लगा। हम इसको लेके जाते हैं इसके कमरे में, ठीक है? चलो चलो। हमको बहना एक बार पता चल गया ना कि ये किसकी हरकत है, हम कसम से उसकी टांगे तोड़ देंगे। जिसने हमारे जीवन में ये जहर घोला है ना, हम उसके जीवन में ना खुशियों को आग लगा देंगे। पहले तो खाना पीना कुछ भी नहीं था, बाकी कुछ बचा था ये भी खराब हो गया। मुसीबत तो जा रही थी ना, आप सब ने मिलकर रोका है उसे। जब मुसीबत तो रोकोगे तो तबाही तो होगी ना। चुपचाप से जूस पी और सो जा, समझी ना? ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। पकड़। अनिका, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भाई। क्या हुआ था, कैसे हॉस्पिटल पहुंची तुम? पूरी बात बताओ मुझे। भाई वो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे युग पहुंच गया और उन्होंने मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वरना मैं तो। लेकिन भाई, मैंने ये पूरी सच्चाई अभी तक किसी को बताई नहीं है, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं सबसे झूठ बोलूं। शांत रहो, शांत रहो, और ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इन सब के चक्कर में मैंने बेचारे बस्ती वालों के साथ और गौरी के साथ कितना गलत किया। इज्जत तार तार कर दी है आपने हमारी। हमने सुना था भगवान के घर कोई भेद नहीं होता है, भगवान के घर सबकी सुनवाई होती है, लेकिन गलत सुना था वो, क्योंकि भगवान के घर भेद होता है अमीरी और गरीबी का। भूख की तड़प तो हम सहन कर लेते, लेकिन आज आपने बेइज्जती का जख्म दिया है हमें। हम भले ही गर्व जी का साथ दें, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारी जेब भले ही खाली हो, लेकिन हिम्मत की तिजोरी अभी भी सबसे ज्यादा भरी हुई है। वो हमें कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, हम फिर खड़े होंगे, और इस बार सबको साथ लेके खड़े होंगे। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, उसने हमारे बड़े बंदे के हौसले को और गर्व जी से नफरत दोनों को दुगना कर दिया है। मुझे बहुत भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी इस हालत के जिम्मेदार ये सिर्फ और सिर्फ गौरी और गौरी के परिवार की वजह से हो रहा है।
हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन गौरी भी तो कितना कुछ अकेले सह रही है। हमें तुम्हारी और गौरी की हालत पर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुख इन कायर मर्दों पर हो रहा है। इनका काम चला गया लेकिन अभी भी औरतों के साथ बैठकर मातम मना रहे हैं। बस्ती की एक लड़की का किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और तुम सब बुत बनकर देखते रहे। आप लोगों से बस्ती की इज्जत नहीं संभलती, अपने परिवार को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। एक काम करो, ये चूड़ियां पहन लो, यही शोभा देती है आपके ऊपर। बस अब बहुत हो गया, हम अब और नहीं सहेंगे। इतने साल की वफादारी का हमें यह सिला मिला, अब हम जवाब दे कर रहेंगे। हाँ, चलो चलो। सलाद हमें भी देना। अरे गर्व, आओ खाना खा लो। अरे भांजे, आज तो हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की टॉप की सब्जी बनवाई है, आओ खा लो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.